वीर पुत्र मैं देखता हूं। बेटा वो तुम्हारे लिए इंदौर से तुम्हारे ऑफिस से अर्जेंट कॉल है। लो ना। ऑफिस। हेलो। एसीपी वीर, दिस इज डीआईजी कामत। सर। वीर खुराना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी से जल्दी ड्यूटी पर रिपोर्ट करो। असाइनमेंट बहुत ही खास है और मैं जानता हूं कि इस असाइनमेंट को सिर्फ तुम ही हैंडल कर सकते हो। राइट सर, मैं कल ही यहां से निकलता हूं। ऑफिस में जरूरी काम है, हमें कल ही यहां से निकलना होगा। लेकिन मैंने तो तुम दोनों के लिए कल रिसेप्शन रखा हुआ है। हाँ मामा, लेकिन इंदौर जाने के लिए ट्रेन तो रात को निकलती है ना, तो हम रिसेप्शन के बाद निकल जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करवाती हूँ। असल में ब्याह सही मुहूर्त पर होना बहुत जरूरी होता है। मेरा तो मानना है कि कोई भी काम मुहूर्त के बिना ठीक नहीं होता। अब देखो ना, ये ब्याह भी बहुत जल्दबाजी में हो गया। खैर कोई बात नहीं, अब पूजा तो मैं सही मुहूर्त पर करवाने की कोशिश करूंगी। मामा, ये चल क्या रहा है? तू चल मेरे साथ। अब बता क्या बात है, हुआ क्या आपको? आप इस खसमानु खाने की आप भगत में लग गए हो। करती हूँ ना सब सारी तैयारी, तुम लोग चिंता मत करो। पता नहीं क्या जरूरत है आपको ये सब करने की। आप तो कह रहे थे ये सब नाटक है। आपकी हरकतें देख के मुझे नहीं लगता आप नाटक कर रहे हो। ज्योति, खाना जब बहुत गर्म हो तो उसे तुरंत नहीं खाना चाहिए। अक्सर मुंह जल जाने का खतरा होता है। खाना थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना, फिर देखते हैं। फिर क्या देखोगे, जब वो वीर के साथ इंदौर चली जाएगी। ज्योति, तेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? तो किसी भी बात को लेकर बहुत जल्द परेशान हो जाती है। मुझे ना मम्मा आपकी बात कभी कभी समझ ही नहीं आती है। तभी तो मैं माँ हूं और तुम बेटी। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो कम से कम मेरे ऐसे मामलों के तजुर्बों पर विश्वास तो करना सीखो। राजी नहीं जानती उसके लिए इस घर में आगे क्या रखा है। वो कहते हैं ना, सांप के बिल में हाथ डालो तो उसके डसने से बच नहीं सकते।